लोकेशन का पूछा गया है कि अपनी लोकेशन, आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पे, बेसिकली हम लाहौर बेस्ड हैं, तो आप अगर वहाँ पे कांटेक्ट करना चाहें तो वो आपको, आप व्हाट्सएप के थ्रू सारी आपको मालूमात मिल जाएंगी, ठीक है। ये अच्छा देखें, ये बहुत एक अच्छा चांस बन गया। ये इस तरह के मैसेज जो है ना व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत अच्छे मैसेज हैं। खुशी होती है कि हमारे जो एक जनरल पब्लिक है उनमें ये एक अवेयरनेस बढ़ रही है कि जी एंग्जाइटी भी कोई मसला होता है, इसका भी कोई इलाज कराना चाहिए, विच इज़ गुड। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हमारे पार्ट में लिमिटेशंस आ जाती हैं वो ये है कि अब जिस तरह ये पूछा गया एंग्जाइटी के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए, ये देखें एक बहुत ही नैरो क्वेश्चन है, इसमें इतना स्पेसिफिक हो कि जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है, उसमें वही बात है कि सेफ्टी, सेफ्टी आप की सेफ्टी, मरीजों की सेफ्टी, ये सब चीज़ों को बीट कर देती है। देखें मेडिकल प्रोफेशन का, मेडिकल एथिक्स का एक सबसे बुनियादी जो एक रूल है ना वो ये है कि फर्स्ट नो हार्म, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ कमीशन वर्सेस एक्ट ऑफ ओमिशन। आप ये तो कर सकते हैं कि आप कोई एक्ट ओमिट कर दें, ना करें, ये समझते हो कि हो सकता है कि मरीज़ को इसका नुकसान हो, तो ये तो एक एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप कोई ऐसा कमिट कर देते हैं, आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल साबित हो गया, सो इट्स एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल, ठीक। तो ये बेसिक जो मेडिकल प्रोफेशन है जिसकी, जिस पे पूरी इसकी बिल्डिंग खड़ी है, उसका मैं सादा सा आपको रूल बता रहा हूँ। तो इसमें किसी भी किस्म का कमेंट, तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक तो तफसील से ज़रा चीज़ों को लिखें कि एंग्जाइटी से क्या मुराद है। फिर जाहिर सी बात है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमने सारी चीज़ों को देखना होता है, पूरी एक रिव्यू करना होता है चीज़ों का। तीसरी बात, एंग्जाइटी में हर एंग्जाइटी का जवाब मेडिसिन नहीं होती, और इस तरह कोई कॉकटेल मेडिसिन हो के जो सारी एंग्जाइटीज़ को ट्रीट कर दे, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, जिस एरिया में, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, काइंडली वहाँ पे जो क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हैं उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें, अपनी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, उसके बाद अगर कोई आपके जहन में क्यूरी आती है हाँ तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया।